मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में। तो यूपी में मौसम का मिजाज जितनी तेजी से बदल रहा है, उतनी ही ज्यादा तेजी से इस वक्त यूपी की राजनीति में बदलाव हो रहा है। जी हाँ, इस वक्त यूपी के सभी 75 जिलों में सिर्फ निकाय चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टी अब अपने दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी मैदान में उतर कर जो अपने प्रत्याशी है उसके समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच प्राइम टीवी की टीम भी लगातार हर एक वार्ड में पहुंच रही है, हर एक क्षेत्र में पहुंच रही है, वहां के प्रत्याशियों से लेकर जनता से भी बात करने का लगातार प्रयास कर रही है। तो इसी बीच जब हमारी टीम आगरा पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात मोहम्मद शहजाद पप्पू पहलवान से हुई है। जी हाँ, वो वार्ड नंबर 52 मंटोला से समाजवादी पार्टी के मजबूत पार्षद प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार वो सपा के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। तो वहीं इस बार हमारे साथ लाइव सीधे जुड़े हैं मोहम्मद शहजाद पप्पू पहलवान। सबसे पहले तो सर, मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पप्पू पहलवान जी, पहले तो मैं आपका प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत करती हूँ। जी पप्पू पहलवान जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो पहले आप अपना परिचय खुद हमारे दर्शकों को दीजिए। समाजवादी पार्टी के पप्पू पहलवान पार्षद मंटोला से। इससे पहले मैं वार्ड नंबर 56 था, तो उसके बाद वार्ड नंबर 53 हुआ और मेरे पास जनता का पूरा सहयोग रहा दोनों बार। मैं समाजवादी पार्टी के पार्षद रहा हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे दोनों बार टिकट दी और मैं दोनों बार विजय हुआ। माननीय फिर हमारे शहर भाई निसार चौधरी भाई निसार साहब ने मुझे फिर तीसरे बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दी। मैं चौधरी भाई निसार का अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे को फिर मैं तीसरी बार मैदान में उतारा और मैंने दोनों बार बीजेपी से मेरा मुकाबला रहा। और इस कार्यकाल में कोरोना कार्यकाल के अंदर मैंने लोगों की बड़ी मदद की, घर घर राशन पहुंचाया और इस माध्यम से टीवी के माध्यम से मैं कहना था चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के अंदर चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश रहता है और समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है और इस समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर वर्ग का काम किया है और वही हम लोगों को सिखाया है। मैं क्षेत्र में दोनों बार पार्षद रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी के हर बार अपने क्षेत्र के अंदर दोनों बार कार्यकाल में मैंने सबकी मदद की है और घर घर जाकर मैंने लॉकडाउन के अंदर जो क्षेत्र में रमजान का महीना था जो यह है हम लोगों ने वहां पर ठेला लगाई रमजान को समझ लोगों से लगवाई। उन ठेलों के माध्यम से हम लोग खड़े होते थे, प्रशासन आता था परेशान करता था, हमने घर घर में अख्तियारी दोनों पहुंचाने का काम किया। जो मलिक बस्ती है, मलिक बस्तियों में हमने हर समाज को किसी को राशन देने का काम किया। हमने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की है और न ही भेदभाव की समाजवादी पार्टी राजनीति करती है और हमेशा समाजवादी पार्टी जो है आपको मीडियम चैनल के माध्यम से मतलब कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब भी किया है समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है और हर समाज को अपने साथ लेकर चलती है, ठीक है, और आगे भी हम लोग चलेंगे और मुझे अपनी जनता पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे नौजवान साथी मेरे वोटर मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल पप्पू पहलवान जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपकी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी और लगातार आप 2 बार से बतौर पार्षद भी रह चुके हैं, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपने सबसे ज्यादा काम किया इन बीते 10 सालों में? मैंने जो है घर घर बस्ती में अपने क्षेत्र में जो विकास जो किया, जो नर्क बनी थी मनी बस्ती नर्क बनी हुई थी उस विकास को मैंने काम किया। मंटोला के अंदर जो हमारा जमात खाना है, मंटोला कंगाल बाड़ा है जो हर समाज के लोग रहते हैं, मौर समाज भी रहते हैं और गटिया माबू मांझा है जो सबसे बड़ा नाला है
काला महावीर सिनेमा जो हर वक्त भरा रहता है उसकी स्थिति सबसे ज्यादा नर्क रहती है, तो मैंने हर बार उसका कार्य हर वक्त समय मशीन लगाकर उस सब कार्यकार को हर वक्त सफाई का काम किया है और आज भी मेरा काम चालू है। वो काम बराबर होता है मशीन नगर निगम के द्वारा, अपनी नाले के अंदर नर्क बन हुआ है तो नाले की सफाई सुथराई चल रही है, ठीक है। मगर कुछ दो साल पप्पू परवान जी, अब निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ रही हैं और आप जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोगों का समर्थन आपको किस तरीके से मिलता है, और जब समर्थन मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जीत गया, मेरे को मेरे नौजवान साथियों का हर समाज का समर्थन मिल रहा है और मेरे साथ हर वर्ग का लोग मेरे साथ है, हर वोटर मेरे साथ है। मेरे संग बाल्मीक समाज, मोहर समाज, मेरे संग में जाटव समाज भी है। मेरे क्षेत्र बहुत बड़ी बस्ती है जिसमें विरोध भोग लाल दरवाजे तक आता है, तो मैंने हर समाज का मेरे को वोट मिल गया। और विनोद का कहना है कि हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो दमक जो जिंगारू पार्षद, जो मेहनती पार्षद चाहिए, जो हम जनता के बीच में हर वक्त खड़ा रहे, हमें वो पार्षद चाहिए। हमें वो पार्षद नहीं चाहिए जो पार्षद जीतने के बाद अपने घर पे आराम करे और पता पड़े कि पार्षद ही है नहीं। हमें वो पार्षद नहीं चाहिए, हमें वो पार्षद चाहिए जो पप्पू पहलवान 10 साल से जीतते चला रहे हैं। हमें पप्पू पहलवान को ही समर्थन करना है और पप्पू पहलवान को हमने जीत दे दी, हमारी जनता का कहना है। ठीक है, पप्पू पहलवान जी इस बार जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपके क्षेत्र में कोई प्रत्याशी ऐसा है जिसको आप अपनी चुनौती मानते हो? मैंने किसी को चुनौती नहीं मानी और मेरी हमेशा दोनों बार बीजेपी से टक्कर रही है और दोनों बार मैंने बीजेपी को हराया है और इस बार भी मैं मेरा बीजेपी से ही सामना है। मैंने आज तक जी मेरा बीजेपी से ही सामना है और मैंने अपने आगे नहीं समझा है। जब मेरी जनता मेरा सहयोग है, मेरी जनता मेरे साथ है, मेरा वोटर साथ है, तो जब जनता जिसके साथ होती है तो मैं किसी को नहीं मानता। ठीक है, पप्पू पहलवान जी मेरी जानकारी के मुताबिक आप 20 साल से लगातार सपा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपका ये जो राजनीतिक सफर है कार्यकर्ता से लेकर पार्षद बनने तक का, वो सफर कैसा रहा? मेरे को बहुत अच्छा लगा और माननीय जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये पार्टी वो है, इसी समाजवादी पार्टी ने जो 15,000 रुपये पार्षद की सैलरी करी, इसी समाजवादी पार्टी ने साल की 15,000 रुपये सैलरी करी, यही समाजवादी माननीय नेता जी हमारे अखिलेश यादव जी ने इसकी सैलरी 15,000 रुपये करी थी पार्षद की। और हर समाज की नौकरियां भी जो समाजवादी पार्टी ने ही दी, बाल्मीकि समाज की नौकरियों में नगर निगम द्वारा, और हम लोग ये है हमारे पास क्षेत्र में जो बाल्मीकि समाज के लोग आते हैं, हमने भी उनको नगर निगम के अंदर उनको नौकरी दिलवाई और आने वाले टाइम के अंदर भी, और हम कोशिश इंशाल्लाह हमारी जारी है कि हम बाहर समाज के साथ में कांधे से कांधा लगा के खड़ा हुआ हूँ। और मेरे लाख जो काम है क्षेत्र में, मैं कभी किसी काम की मना नहीं है, मेरे पास 24 घंटे अप्लाई है, तो चाहे रात के 2 बजे आ जाए या रात के 12 बजे आ जाए, मैं अपने घर में सुबह निकलता हूँ, पहले जनता के बीच जाता हूँ, गली गली के अंदर क्षेत्र में अपना दौरा करता हूँ और जनता के बीच में जाकर जनता की फरियाद सुनता हूँ, जनता की जमा मार मालूम करता हूँ कि जनता किसी चीज की परेशानी तो नहीं है, हर चीज की मदद करने को तैयार रहता हूँ। ठीक है पप्पू पहलवान जी, जाहिर सी बात है कि आपने अपने क्षेत्र का विकास भरपूर तरीके से किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रह गई होगी या कोई ना कोई काम ऐसा होगा जो छूटा रह गया होगा, तो अगर आपको जनता का पूरा समर्थन मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं तो वो महत्वपूर्ण काम जो आप सबसे पहले कराएंगे? जो मुझसे जो थोड़ी बहुत जो गलियां रह गई है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता से वादा करा है मैंने, तो जो कुछ कमी रह गई है, जो गलियां रह गई है, उनको बात 13-4 तारीख का चुनाव है और 13 तारीख को जो है वोटिंग खुलेगी और इंशाल्लाह पप्पू पहलवान की जब जीत होगी तो सबसे पहले काम कार्यालय अपने क्षेत्र में हर जगह के जो विकास जो रह गया है उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है पप्पू पहलवान जी, आप 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं और आप जब पहली पहली बार पार्षद बने थे तो वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जो आपके सामने सबसे ज्यादा आई? चुनौती जो थी मीडियम के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि सबसे बड़ा विकास जो होता है नाली खरंजा
सही बार पानी की स्थिति तो वो मैंने पूरी कराई। हमारे उस टाइम पे मंत्री भी थे, हमने कुछ समर भी लगवाए अपने क्षेत्र के अंदर, उन समरों को हमने जहां पर पानी की किल्लत थी हमने समर भी लगवाए थे। जो हमारे क्षेत्र भारतीय पार्टी के मंत्री थे उन लोगों से हमने समर की मांग की, उन्होंने हमें समर दिए, हमने अपने क्षेत्र में समर भी लगवाए। और जो कुछ कमी रह गई है हम वो 13 तारीख के बाद पूरी कर देंगे। उसको हमारा जनता का पूरा सहयोग है, जनता से जन बच्चे बच्चे से वही कहते हैं कि पप्पू पहलवान जैसा प्रत्याशी कोई नहीं चाहिए, पप्पू पहलवान चाहिए। ठीक है, जो जनता के बीच 24 घंटे पप्पू पहलवान जी बतौर प्रत्याशी आपको जनता से कितना समर्थन मिला और अभी जनता से आपको कैसा प्यार मिल रहा है? मेरे साथ जनता का प्यार बहुत अच्छा है, जनता का प्यार बहुत अच्छा है, जनता तन मन से मेरे साथ खड़ी है और पूरा सहयोग है। और सहयोग के साथ साथ जनता का कहना है कि हम लोग नाश्ता पानी बाद में करेंगे, पहले हम लोग मतदान करेंगे। 4 नंबर बटन को पप्पू पहलवान को 4 नंबर बटन को विजय बनाएंगे और हमारी प्रत्याशी मेजर जो है जाटो समाज से 1 नंबर बटन है उनका, हम उसको भी विजय बनाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है तो इस बार हम अपने मेजर को जरूर लाएंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी का मेजर जी, जब आप राजनीति में आए तो किसी ना किसी को आप अपना आदर्श जरूर मानते होंगे, तो आपके लिए वो आदर्श कौन था जिसकी वजह से आप राजनीति में आए? मेरे जो है बड़े भाई हुए थे चौधरी भाई निसार साहब, जिन्होंने मेरे को पहली बार ही टिकट दिया और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि जाओ कहीं कोई कमी पड़ेगी तो तुम्हारा भाई चौधरी भाई निसार सामने खड़ा होगा सेहरत पे, और उन्होंने मेरे संग में पूरी मदद की। ठीक है पप्पू पहलवान जी, वैसे तो देश में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और लेकिन लगातार आपने सपा को ही चुना और आप सपा के सक्रिय और भरोसेमंद सदस्य रहे हैं, तो आखिर ऐसी वजह क्या रही जो आपका सपा से जो नाता है वो लगातार गहरा होता चला गया? ऐसा है, जो समाजवादी पार्टी है वो पार्टी ऐसी है कि हर समाज की पार्टी है, एक पार्टी नहीं है सब समाज की पार्टी है। मैं ऐसी पार्टी में बन गया, माननीय हमारे नेता जी जो स्वर्गीय हो गए राम सिंह यादव जी, उनके पीरियड में भी मैं पार्षद था और यही पार्टी हम लोगों ने चुनी है। जिस पार्टी में एक बार हम लोगों को ऑफर है, हमने नहीं, हम समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी होते हैं हर कार्यकर्ता हर नौजवान साथी, समाजवादी वो पार्टी है जो जमीन से जनता जुड़ी हुई है। और इस पार्टी में हम किसी और पार्टी को नहीं चुनना चाहते, हम ना BSP को चुनना चाहते ना BJP को चुनना चाहते, हम समाजवादी पार्टी को चुनना चाहते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं और सभी समाज को लेकर संचालित हैं, एक समाज को नहीं सब समाज को लेकर। ठीक है पप्पू पहलवान जी, जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक है और तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप उन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन पार्टियों से कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जनता ने मुझे जीत की घोषित दे दी, मेरे वोटर जो है मेरे साथ है और मैं मेरी जनता ने मेरी अवाम ने मंटोला क्षेत्र भवन से कह दिया कि पप्पू पहलवान तुम जीत गए। बिल्कुल पप्पू पहलवान जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि निकाय चुनाव बहुत नजदीक है और अब प्रचार में भी काफी कम दिन रह गए हैं, तो ऐसे में आप प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि उनका भाई छोटा क्षेत्र बामन से मंटोला क्षेत्र से जीतकर जब 13 तारीख को मतदान होगा, जब मतदान के बाद जब पप्पू पहलवान जब सीट जीत कर आएंगे तो घर घर क्षेत्र में अपने नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करूंगा, हर समाज का शुक्रिया अदा करूंगा, भाभी समाज मोहर समाज जाटव समाज मुस्लिम समाज सबका शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल, और मुझे भरोसा है कि मुझे जो है हर समाज से वोट मिलता है और मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे पूरा जनता पे भरोसा है कि मैं जीत मेरी घोषित हो चुकी है।
बिल्कुल धन्यवाद पप्पू पहलवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि नगर संग्राम के हमारे आज की खास पेशकश में हमारे साथ पप्पू पहलवान जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि लगातार जनता का उन्हें दो बार से समर्थन मिला है, यानी कि 10 साल से वो लगातार इस क्षेत्र में पार्षद रहे हैं और इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन उनको ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है और वहां की जनता ने भी पप्पू यादव से कहा है कि वो पहले मतदान करेंगे फिर ही कुछ खाए पिएंगे। और लगातार पप्पू पहलवान जनता के बीच एक लोकप्रिय और चर्चित चेहरा भी रहे हैं, क्योंकि दो बार से वो लगातार पार्षद रहे हैं, तो इस बार भी सपा की तरफ से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जनता का समर्थन उन्हें पूरी तरीके से मिला हुआ है और इस बार भी उनकी जीत पक्की है। फिलहाल इसका जो नतीजा है वो तो 13 मई को ही आएगा कि आखिर पप्पू पहलवान की जीत होती है और जनता का उन्हें कितना प्यार मिलता है। लेकिन फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश नगर संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।